ट्रेडिशनल वे टू प्रिपेयर खलपी, तो खलपी कैसे बनाते हैं आज देखेंगे। तो क्यूकम्बर को ऐसे काटना है लंबे लंबे करके और छोटा छोटा करके, लेकिन वो लॉन्ग पीस को इंटैक्ट ही रहना है। तो जब आप ऐसे काटेंगे जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, तो वैसा ही काटना है। एक क्यूकम्बर जो कि हिल्स में मिलता है वो अच्छा रहता है। तो उसके बाद मस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह से डालेंगे। मस्टर्ड पाउडर इज़ एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये हमें डालना है। उसके बाद चिल्ली पाउडर भी डालेंगे। चिल्ली पाउडर अपने स्वाद अनुसार, आपको कितना तीखा खाना पसंद है। आफ्टर दैट आपको डालना है सॉल्ट। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें, तो सॉल्ट इज़ द थर्ड इंग्रेडिएंट। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल आपको डालना है। तो मस्टर्ड ऑयल एक अच्छे क्वांटिटी में आपको डालना है, बिकॉज ये इसे सोक करेगा। So that is why you need a good amount of mustard oil. तो mustard oil अच्छी तरह से डालने के बाद आता है मिक्सिंग की बारी। आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हो सके तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, but we are using a spatula here. तो अच्छी तरह से ये इसे मिक्स करने के बाद आता है लेयरिंग का प्रोसेस। लेयरिंग इज़ वन इम्पोर्टेंट थिंग। आपको लेयर ऐसे करने, आप ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं, आपको अच्छी तरह से लेयर करना है। तो क्यूकम्बर को आप देख सकते हैं कैसे लेयरिंग किया जा रहा है, और लेयरिंग करते ही आपको ऊपर आना है। एंड ये लेयरिंग का प्रोसेस इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और ऐसे ही करना है। सो वंस यू डू इट प्रॉपरली, लेयरिंग करके जब ऊपर आएगा, एंड देन योर पिकल इज़ डन, आपका पिकल डन हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हैं और ऊपर आ रहा है। सो यू हैव टू डू साइडवेज, बीच में नहीं डालना है, साइडवेज करके ही ऊपर आना है। सो देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू दिस। इट्स अ ट्रेडिशनल लॉस्ट रेसिपी, वेरी हार्डली पीपल यू नो मेक दिस रेसिपी। ये एक लॉस्ट रेसिपी है, और सिंस इट वॉज बींग प्रिपेयर्ड एट होम, आई डिसाइडेड टू फिल्म इट। तो ऐसे ही करके आपको डालना है, और ये थोड़ा करके ऊपर आएगा। एंड माइंड यू, आपको इमीडिएटली नहीं खाना है, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 days, और 5 to 7 days ऑल्सो यू कैन से, बिकॉज उस टाइम में ये सावर हो जाएगा, थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। तो जब खट्टापन आ जाएगा, एट दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस विथ एनी ऑफ योर फूड, जो राइस के साथ या चापाती के साथ, जिसी के साथ भी आप खा सकते हैं। इट्स अ वेरी डिलीशियस रेसिपी, पिकल बोल सकता हूँ मैं। तो यू कैन सी द लेयरिंग डन, इट इज़ ब्यूटिफुल, और टेस्ट भी अच्छी तरह से मस्टर्ड का फ्लेवर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये खलपी रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।